दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। देश सफर पर है, सफर भी ऐसा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सफर करने वाले भी ऐसे जिनकी संख्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। आखिर देश की सरकार इन सफर करने वालों के बारे में कितना सोच रही है? पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से पेट की खातिर एक बेल बेच देने के बाद बेल की जगह कभी परिवार की यह महिला तो कभी परिवार के यह पुरुष सदस्य खुद शामिल हो गए और इनके द्वारा लगातार सफर तय किया गया। यही वजह रही कि इस पूरे ही मामले में आगे आते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इनिशिएटिव लिया और उनके द्वारा 20,000 रुपए की मदद इस परिवार को कराई गई। इनको बकायदा खोजा गया और साथ ही साथ इन्हें अनाज भी मुहैया कराया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि मनीष सिंह द्वारा इन्हें तलाश भी कराया गया, मतलब इंदौर कलेक्टर की संवेदनशीलता बताती है कि उन्होंने इस परिवार की कितनी फिक्र की। लेकिन सिर्फ ये एक परिवार नहीं है जिसकी सरकार को या प्रशासन को फिक्र करना है, हर परिवार की फिक्र करना होगी क्योंकि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गाड़ी किसके आ गया था? क्या बेल बन गए थे? बेल बन गया था, बेल बन के मैंने मुझको आना था ना दत्तो था गांव में, तो मेरी वीडियो ली कहाँ पे, इधर बाईपास पे। मेरे कहने कोई पैसा ऐसे कुछ नहीं था, खर्च नहीं था, खर्चे एक रुपया नहीं था मेरे कहने, तो मैंने बेल भेज दिया। कलेक्टर ने ये मदद करी है मेरी, 20,000 रुपये दिए हैं, राशन पानी कर रही है और हमारी व्यवस्था करी उन्होंने। यही मजदूरी करते हैं, मांगते खाते, पर अब ये कोरा वायरस में इनको मांगने खाने का तो कुछ मिल नहीं रहा। ये भाई का फोन आया था मेरे पास, तो मैंने ही बुलाया था इसको, भाई यहाँ आ जा मेरे से, जो तेरी सेवा सदेगी करूँगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छो करियो, भगवान हसो सबके मौको दे। एक परिवार नहीं, गांव में बहुत दुखी परिवार है। इनको कुछ बता रहे हैं कि पैसे कोड़ी की भी राशि दी है, खाने पीने को भी दिया है। ये खींच के आए बाबू जी, मुसीबत आ गई, 5,000 में बेल बेचा तो मुसीबत आ गई। मौसी आए अपन पैदल पैदल, बेल बन गए अपन। अच्छा, पैसे की दिक्कत आ रही थी, पैसे की दिक्कत आ गई थी। कहाँ से बैलगाड़ी खींच के मऊ से लाए? कितनी मुसीबत आ रही थी, बहुत मुसीबत में आए। कलेक्टर ने मदद की है? करी मदद। क्या क्या दिया? 20,000 रुपये दिया, खाना पीना दिया, राशन दिया। कल एक्चुअली जब ये न्यूज़ का प्रकाशन हुआ तो कलेक्टर मनीष सिंह साहब का फ़ोन आया था, क्योंकि प्रकाशन के अंदर पालदा क्षेत्र का इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया था एड्रेस का, और पालदा क्षेत्र मेरे जोन के अंतर्गत आता है, मैं वहाँ का जोनल ऑफिसर हूँ वैभव देवला से। तो उनके निर्देश थे कि ये सर्च करो ये मामला क्या है और ऐसी क्यों परिस्थितियाँ बनी। इसको दत्तोत गाँव से मैं लेके गया कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब से मिलवाया, कलेक्टर साहब ने इसको आर्थिक सहायता के रूप में 20,000 रुपये की घोषणा करी, इसको राशन दिलाया, चाय पानी खाना वगैरह सारा इसके परिवार को आज कराया, और इसको अब हम लोग वापस से इसके घर छोड़ने आए, और ये परिवार वाले बड़े संतुष्ट है। मतलब ये कलेक्टर साहब को और हम सबको ये कर रहे हैं कि मतलब हम लोगों को डर लग रहा था, पर ये तो मामला अच्छा निकला और हमारी मदद करी सबने मिलकर, तो प्रशासन की बड़ी मदद रही। इसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी जो मैंने अपने कर्तव्य के साथ पूर्ण करी। है अगर जहर तो पीना।